सो गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो ये है बजाज पल्सर NS160। तो इसका क्लास प्लेट चेंज होगा। सिर्फ 16,000 किलोमीटर में इसका क्लास प्लेट जल गया है, और क्लास प्लेट जलने का रीज़न बहुत है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो गाइस, आज इसका क्लास प्लेट चेंज होगा NS160 का। तो NS160 का क्लास प्लेट का क्या प्राइस है और कैसे ओपन करता है, कैसे सेटिंग करता है, सब कुछ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइस, लास्ट तक जरूर देखते रहना इस वीडियो। तो गाइस, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो गाइस, इसका क्लास प्लेट चेंज करने के बाद इसका सर्विस भी होगा। तो सर्विस का वीडियो मैं आज आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ इसका क्लास प्लेट का सब डिटेल्स दूंगा। तो NS160 का क्लास प्लेट का क्या प्राइस है और क्लास प्लेट का साथ साथ क्या लगता है क्लास प्लेट चेंज करने का टाइम में, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो गाइस, क्लास प्लेट ओपन करने का आगे इसका जो काम किया गया है, तो इसका जो मोबिल है, मोबिल ड्रेन हो गया है, तो मोबिल ड्रेन कर लेना होगा पहले। और गाइस, इसका जो मोबिल फिल्टर है, मोबिल फिल्टर भी ड्रेन हो गया है। तो गाइस, क्लास प्लेट खोलने का आगे जो इंजन का साइड कवर है, साइड कवर ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन किया जा रहा है इधर। और गाइस, मैं आप लोग को और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जब आप लोग इंजन का कोई काम करवाएंगे या क्लास प्लेट चेंज करने का टाइम में, आप लोग जो ड्रेन किया गया है इधर इंजन ऑयल, तो ये इंजन ऑयल फिर से मत यूज़ करना, आप लोग नया वाला इंजन ऑयल ही यूज़ करना। इधर भी नया वाला इंजन ऑयल ही यूज़ होगा। तो गाइस, क्योंकि पुराना वाला जो इंजन ऑयल है, जो ड्रेन किया गया है, तो इसमें ज़्यादा कचरा रहता है, तो इसलिए जो नया वाला पार्ट्स इधर ऐड होगा उसमें इंजन ऑयल ठीक से रिफाइन नहीं होगा, इसलिए नया वाला मोबिल ही यूज़ करना चाहिए हर टाइम। तो गाइस, चलिए पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस, इंजन बहुत हीट है, तो ओपन हो गया है ऑलरेडी, तो मैं आप लोगों को अंदर दिखा दे रहा हूँ। तो बहुत हीट है इंजन, तो अंदर मैं आप लोगों को इसका कंडीशन दिखा दे रहा हूँ। तो अंदर का क्लास प्लेट देखिए गाइस, ये है इसका क्लास प्लेट, जो क्लास प्लेट का पॉइंट इधर ही रहता है, जो एक साथ इधर क्लास प्लेट क्लास हब इधर एक साथ रहता है, तो इसको ओपन किया जाएगा। तो इधर जो चेंज होगा, इसका क्लास प्लेट भी चेंज होगा, क्लास हब भी चेंज होगा, तो दोनों तीन थो सेट रहता है, तो सब कुछ इधर चेंज होगा। इसका प्रेशर प्लेट भी चेंज होगा, तो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इस वीडियो में। तो गाइस, पहले इसका चार ठो नॉट मिलेगा, तो चार ठो नॉट पहले ओपन कर लेना होगा, उसका बाद मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ क्या प्रोसेस है खोलने का। तो पहले चार ठो नॉट ओपन कर लेना होगा, तो चलिए पहले ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस भी दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस, देखिए इसका क्लास प्लेट ओपन हो गया है, तो बहुत गर्म है इसका क्लास प्लेट एंड प्रेशर प्लेट, जो आप लोग तो देख ही सकते हैं, जो बहुत पूरी तरह से जल गया है। तो इसको ही चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज नहीं करने से रीज़न यही है, जो आप लोगों का पता चलेगा, मतलब आपको क्लास प्लेट जल गया है आप लोग का बाइक में, जब आप लोग देखेंगे आप लोग का बाइक 30-40 KMPH का ऊपर नहीं उठ रहा है, तब आप लोग को पता चलेगा जो आप लोग का बाइक का जो क्लास प्लेट एंड प्रेशर प्लेट है इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, जब आप लोग देखेंगे आप लोग का बाइक का पिकअप नहीं ठीक से ले रहा है, तब आप लोग पता चल जाएगा जो क्लास प्लेट का ही प्रॉब्लम है। तो गाइस, इसका क्लास प्लेट का साथ साथ इसका जो प्रेशर प्लेट है एंड क्लच हब है वो भी चेंज होगा। तो इधर आप लोग देख ही सकते हैं कि इसका क्लच हब जो ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो गाइस, आप लोग चेंज नहीं भी कर सकते, ठीक रहने से चेंज नहीं करने से भी होगा, बट इधर चेंज कर देंगे हम लोग, क्योंकि इसका चेंज नहीं करने से बाद में कोई प्रॉब्लम आए तो, इसका वजह से कोई प्रॉब्लम आए तो और रिक्स हम लोग नहीं लेता है, तो इसलिए हम लोग चेंज भी कर देंगे इसका अंदर। तो इसका अंदर जितना सब पार्ट्स लगेगा सब कुछ नया डालेंगे हम लोग। तो नया डालने का बाद इसका जो मोबिल है, तो आप लोग देख सकते हैं पुराना वाला मोबिल का कंडीशन, तो इसमें नया वाला मोबिल यूज़ करना होगा, तो नया वाला मोबिल यूज़ किया जाएगा। तो आप लोग को पहले मैं बता चुका होगा, जो इसमें जो नया वाला जो इधर पार्ट्स ऐड होगा, तो इसमें पुराना वाला मोबिल ठीक से रिफाइन नहीं होता है, तो नया वाला मोबिल इधर यूज़ करना होगा तो रिफाइन के लिए। तो नया वाला मोबिल ठीक से यूज़ होगा तो अच्छा काम करेगा इसका अंदर, जो इतना प्रोसेस रहता है अच्छा से काम। सो गाइस, चलिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ इसका क्या प्राइस है। तो जो पार्ट्स लगेगा इधर, तो इसका क्या प्राइस है, तो ये है इसका क्लास प्लेट, जो NS160 में चार क्लास प्लेट लगता है, 1, 2, 3, 4,
मतलब चार ठो क्लास प्लेट है। सो गाइस चार ठो क्लास प्लेट लाएगा इधर, तो इसका जो मैं आप लोग को पुराना वाला क्लास प्लेट है ये भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं इसका कंडीशन जो पूरी तरह से जल गया है। तो इसका भी चार ठो क्लास प्लेट है, तो चार ठो क्लास प्लेट लाएगा इधर। तो इसका जो प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये है NS-160 का प्रेशर प्लेट, जो इधर भी चार ठो ही प्रेशर प्लेट लगता है, तो चार ठो प्रेशर प्लेट है। और ये है क्लच हब इसका, तो देखिए ये वाला क्लच हब, ठीक है। तो ये भी चेंज कर देंगे हम लोग, जो पहले मैं आप लोग को बताया हम लोग रिस्क नहीं लेता है, तो ये भी चेंज होगा। तो इसका तीनों का क्या प्राइस है मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस आप लोग ठीक ठाक करके देख लेना जो पार्ट्स का क्या प्राइस है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच हब का क्या प्राइस है, ठीक ठाक करके आप लोग देख लेना। वीडियो पूरी तरह से देखने से मैं सब कुछ डाल देता हूँ वीडियो में। तो ये है क्लच प्लेट का प्राइस। सो इसका जो पार्ट नंबर है JG551448, इसका जो प्राइस है 651 रुपीज़। और इसके व्हील क्लच मतलब प्रेशर प्लेट जो इसका पार्ट नंबर है JE551414, और इसका जो MRP प्राइस है 179 रुपीज़, ओनली 179 रुपीज़ में आप लोग को मिल जाएगा। और गाइस इसका जो पार्ट नंबर है JE551413, और इसका जो MRP प्राइस है 298 रुपीज़, जो क्लच हब जो बोला मैं वही इसका प्राइस है। तो प्राइस मैं आप लोग को बता दिया, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोग को प्राइस दे दूंगा। कोई कोई वीडियो काट के देखता है तो उसको पता नहीं चलता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर जाकर आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। तो गाइस अब जो काम होगा इसका सब कुछ इंस्टॉल होगा, तो इंस्टॉल का प्रोसेस जो है जो प्रोसेस से इधर ओपन किया गया है सेम प्रोसेस से इधर इंस्टॉल होगा। तो गाइस मैं आप लोग को और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो क्लच प्लेट चेंज करने का मतलब हब इंजन ओपन करने का जो चार्ज लगता है वो शोरूम पे आप लोग को 400 to 500 रुपीज़ लगेगा ऐसा कुछ। तो सब कुछ मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो कौन सा क्या प्राइस है और कौन सा क्या चार्ज लगा है सब कुछ मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर जाकर आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। तो गाइस आप जो इधर काम है लास्ट काम इधर इंस्टॉल होगा, उसका बाद इसका काम कंप्लीट है। तो उसके बाद मैं आप लोग को इसका क्लच प्लेट चेंज करने के बाद क्या साउंड आ रहा है इंजन का, तो सब कुछ मैं आप लोग को सुना दे रहा हूँ। तो इधर इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद काम ख़त्म, इसका कुछ काम भी नहीं है, ठीक है। जो सर्विसिंग का काम है मैं आप लोग को इस वीडियो में नहीं दिखाया। तो आप लोग को सर्विस भी चाहिए NS-160 का, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो गाइस फाइनली इसका काम कंप्लीट हो गया है NS-160 का, तो इसका मैं आप लोग को इसका जो इंजन का साउंड है सुन लीजिए आप लोग। तो गाइस काम बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा साउंड निकल आ रहा है। तो गाइस आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अभी। और गाइस नेक्स्ट जो ब्लॉग आ रहा है वो NS-200 का ऊपर भी ब्लॉग आ रहा है इंजन का। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, आज के लिए यही तक, तब तक के लिए बाय बाय।